Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, हम पढ़ रहे हैं chapter transportation in animals and plants, जिसमें हमारा जो topic है वो चल रहा है circulatory system. तो स्टूडेंट, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैंने आपको समझाया है वो क्या होता है. तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हमने कल आज बात करनी थी ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, वो हमें डिटेल में पढ़ना था. ठीक है, तो पहला ऐसा कंपोनेंट था प्लाज्मा. ठीक है ना, अब प्लाज्मा क्या है, द फ्लूड पार्ट ऑफ द ब्लड, पेल येलो कलर, मेड ऑफ वाटर, 92% सॉल्ट्स एंड प्रोटीन, ब्लड सेल्स की फ्लोटिंग इन प्लाज्मा. देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा जो होता है, मैंने आपको कल ही बोला, प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, है कि नहीं. मैंने आपको बोला ना, कल ही बोला मैंने आपको, जो प्लाज्मा है वो ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है. ठीक है ना, इसका जो कलर होता है वो पेल येलो होता है, पेल येलो कलर का ही प्लाज्मा होता है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, और ये 92% ऑफ वाटर से बना है और सॉल्ट से बना है और प्रोटीन से बना है प्लाज्मा. ठीक है, और स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बोला प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, अब जो ब्लड सेल्स है जो कि सॉलिड पार्ट है ब्लड का, वो क्या कर रही होती है, वो इसमें फ्लोट कर रही होती है इस प्लाज्मा में, जो कि लिक्विड पार्ट है. समझ गए, ये था प्लाज्मा के बारे में. अब हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स जो कि सॉलिड पार्ट है. ठीक है ना, जो सेल्स जो है जिसमें रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स है. ठीक है ना, आज हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की, RBC. रेड ब्लड सेल्स आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. अब स्टूडेंट्स, जो रेड ब्लड सेल्स जो है ये क्या होती है, लाल होती हैं. ठीक है ना, लाल होती हैं किसकी वजह से, ये लाल क्यों होती है, इसमें क्या होता है, इसमें रेड पिगमेंट एक प्रेजेंट होता है. ठीक है ना, इसमें क्या होता है, रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर्स रेड. इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से जो ब्लड होता है ये रेड होता है. ठीक है ना, समझ गए किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से. RBC कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी. अब जो ये RBC है, इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन इसका क्या है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करता है. जैसे मैंने आपको बोला, जब लंग्स तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है, ऑक्सीजन रिच एयर पहुँच जाता है, तो क्या होता है, लंग्स से फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना ये हर किसी सेल तक, ये कौन ले जाता है, ये ब्लड ले जाता है. लेकिन ब्लड में जो RBC होता है, इसको कॉम्पोनेंट जो RBC है, वही क्या करता है, वही RBC जो है यही ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स, डिफरेंट सेल्स तक ले जाता है हमारी बॉडी की. ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. अब स्टूडेंट, जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, जो मैंने आपको पहले ही बोला इसकी वजह से रेड हो जाता है. ठीक है ना, अब जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में, इस रेड ब्लड सेल्स में स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, बाइंड्स विद ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन को पकड़ता है, एक हिसाब से हम बोलेंगे ये ऑक्सीजन को पकड़ता है. जब ये ऑक्सीजन को पकड़ता है और ऑक्सीजन को पकड़ के क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इस ऑक्सीजन को लंग्स से हमारी बॉडी की हर एक सेल तक, हम बोलेंगे. समझ गए ना, तो ये था प्लाज्मा जो कि था लिक्विड वाला पार्ट. अब हम बात कर रहे थे रेड सेल्स की, जो कि रेड ब्लड सेल पहला वाला है सेल है जिसमें हमने बात करी, ये क्या है, ये सॉलिड वाला पार्ट है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किस बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और हम पढ़ेंगे ब्लड के फंक्शंस. समझ गए, तो ये था आज का लेक्चर. इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.